नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल बोझ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं दबंग 4 की ऐसी बात। हालांकि ये बात सुनकर फैंस का, सलमान खान फैंस का दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बात है जो कि बतानी थोड़ी सी ज्यादा अनप्लीजेंट भी लग रही है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए राहुल भोज 1515 मिलिए, वहां पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दबंग 4 की एक ऐसी अपडेट आई है जो कि खुद अरबाज खान ने बताई है। जी हां, अरबाज साहब ने रिसेंटली दिए गए अपने इंटरव्यू में एक बड़ी बात का खुलासा कर डाला है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो सलमान साहब के पास, जहां पर बैक टू बैक उनके पास मूवी है, अभी उनकी किसी का भाई किसी की जान रिलीज हो रही है, फिर उसके बाद जो है उनकी टाइगर 3 आने वाली है, फिर उसके बाद जो है वो पठान और टाइगर दोनों मिलकर कुछ बवाल करने वाले हैं, ऐसा ऐसा समथिंग समथिंग चीजें होने वाली हैं। अब आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अगर तो रिसेंटली अरबाज खान साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी बात का खुलासा किया है, जहां पे उन्होंने दबंग 4 को लेकर बात कही है। वो कहते हैं कि सलमान खान हैज गॉट सम प्रायर कमिटमेंट्स, आई हैव ऑल्सो फिनिश्ड अ मूवी, सो वी हैव नॉट स्टार्टेड आइडियटिंग ऑन इट, ऑफकोर्स इट विल हैपन बट इट विल टेक सम टाइम। दोस्तों, आपको बता दूं तो दबंग 1 जो रिलीज हुई थी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी, दबंग 2 वॉज ओके, दबंग 3 वॉज तो और भी ज्यादा बेकार थी अगर आपको याद होगा तो। लेकिन हाँ, दबंग 4 से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया का नाम सामने आ रहा है, जो कि यू नो इस तरीके की क्राइम या फिर इस तरीके की मसाला एंटरटेनमेंट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जैसे साहब बीवी और गैंगस्टर अगर आपको याद होगा, या फिर अगर आपको पान सिंह तोमर याद होगी, क्या बेहतरीन उन्होंने फिल्में बनाई हैं। और उनका जो परफॉर्मेंस रहता है गैंग्स ऑफ वासेपुर में देख लीजिए, क्या जबरदस्त शानदार रहता है। ऐसे में दबंग 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें अगर उनका इनपुट आ जाएगा तो फिल्म जो अपनी बेसिक, मतलब कहते हैं ना कि दबंग वो फिल्म थी जो हमको बेसिक आइडियाज बताती थी, बेसिक चीजें बताती थी, उन सारी चीजों को पीछे करते हुए आगे बढ़ेगा। यू गेटिंग इट? तो वो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज हो गई थी। अब प्रभु देवा जी को क्या पता, अगर टेक्निकली देखा जाए उनको क्या पता कि यू नो उत्तर प्रदेश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश के क्राइम सीन में किस तरीके की चीजें होती हैं, तो वो फिल्म तो फ्लॉप जाएगी ही जाएगी। तो दबंग 3 के साथ वही हुआ था दोस्तों, लेकिन यहां पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार की दबंग 4 बवाल होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद सारी चीजें आएंगी सामने। आप लोगों को क्या है कहना, कितने एक्साइटेड है दबंग 4 के लिए? क्या सलमान भाई को दबंग 4 करनी चाहिए या फिर इसके बाद उनको कुछ ओरिजिनल काम करना चाहिए, यू नो जैसे कुछ ओरिजिनल आइडियाज ले लीजिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, मुझे जरूर बताएं और इंस्टाग्राम पे जरूर मिलिए राहुल बोझ 50।